नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक अलग एस्पेक्ट लेके। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पहले कुछ हम वीडियो बना चुके हैं और उन वीडियो दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक नए हाईलाइट के बारे में, नए इन्फॉर्मेशन के बारे में। और वो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैंने CMA फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन लिया है तो क्या होगा CMA फाउंडेशन का सिलेबस और क्या होंगे CMA फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स। तो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, साथ ही में ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लिया है। वहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कौन कौन से लेवल्स हैं, वहाँ पे 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है। उसके बाद हमने देखा है अगर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब उसके बाद आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर कोई 10th पास किया हुआ लड़का लड़की और कोई भी स्टूडेंट, अगर 12th पास किया हुआ कोई लड़का लड़की और कोई भी स्टूडेंट अगर CMA फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, सूचना है, विनती है, अगर आपने ये मेरा एकेडमिक चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी तक आप इस चैनल में नए हो तो मेरा ये ऑफिशियल एकेडमिक चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बार बार मिलती रहेगी। तो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को मेरी और एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में और फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी सवाल हैं वो पूरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो दौरान मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना अपना टाइम गंवाए मैं आप शुरू कर देता हूँ इस का और आज का ये वीडियो। तो शुरू करते हैं और देखते हैं फाउंडेशन CMA फाउंडेशन में कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है CMA फाउंडेशन का सिलेबस और CMA फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स। जैसे कि हमें पता है 10th और 12th के बाद हम CMA फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं और ये CMA फाउंडेशन बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं होता और ये जो CMA फाउंडेशन का सिलेबस और जो सब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी बेसिक होते हैं। तो देखते हैं क्या है सिलेबस और क्या है सब्जेक्ट्स। तो देखते हैं, ये है CMA फाउंडेशन का सिलेबस। वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं 4। पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट्स का आपको एग्ज़ाम देना होता है। और ये है पहला सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल और बेसिक सीखेंगे और साथ ही में मैनेजमेंट की भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो इस रिलेटेड जो भी सिलेबस है यहाँ पे सिंपल सिलेबस फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार पहला टॉपिक और पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप यहाँ पे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो भी अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हम 11th 12th में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने कॉमर्स किया है उनको पता होगा कि बेसिक्स में क्या होता है, फंडामेंटल्स में क्या होता है। तो वहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल जाके हम पढ़ेंगे। और इसलिए दूसरे सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के दूसरे सब्जेक्ट में। जहाँ तक तीसरे सब्जेक्ट का सवाल है तो ये है अपना तीसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। तो जो भी बिजनेस लॉज होते हैं, कंपनीज लॉ होते हैं, जो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जिसको हम मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं, ट्रेड लॉज बोलते हैं, उसका एक सब्जेक्ट यहाँ पे है। और एथिक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे,
उस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ लॉज ऑफ एथिक्स में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और आखिरी सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की बेसिक और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलेगी, और ये हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे इस टाइटल के अंडर। तो ये है चार सब्जेक्ट जो हम CMA फाउंडेशन में पढ़ेंगे, और उनका सिलेबस भी वहाँ पे दिया होगा। अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए तो यू कैन विजिट CMA वेबसाइट। CMA वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस वहाँ पे दिया है। टाइम की वजह से यहाँ पे मैं पूरा का पूरा सिलेबस नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर आपको इस CMA सिलेबस फाउंडेशन सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया है, और मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपको बस याद यही रखना है कि यहाँ पे चार सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद आप CMA फाउंडेशन के एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाओगे तो आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल सकता है। ये था आज का वीडियो CMA फाउंडेशन सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों में रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी राय, आपकी फीडबैक, आपका वैल्यूएबल फीडबैक, आपकी कमेंट इस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस प्रकार के आने वाले वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, वहाँ पे हम देखेंगे कुछ अलग बात CMA के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।